मेरा नाम राजेश जोशी है और मूलतः मैं लेखन का काम करता हूँ, उसमें ख़ास तौर से कविता विधा में ही मुख्य रूप से काम किया है, बाकी अन्य विधाओं में भी कुछ कुछ काम किया है। दो पंक्तियों के बीच की कविताएं मैं लिख रहा था तो एक दिमाग में जब ये पंक्ति आई दो पंक्तियों के बीच, तो उस समय एक बहस मन में थी कि हम अक्सर स्पेस के बारे में जिस ढंग से सोचते हैं, यानी एक कविता जो है वो एक तरह से टाइम एंड स्पेस दोनों को समेटती है, यानी काल को भी और दिक को भी। तो ये अक्सर मान लिया जाता है कि जो स्पेस है, जो दिक है, वो जैसे बहुत ही ऐसा शून्य है जिसमें कुछ भी नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। उस दिक में जो कविता के बीच जो यानी दिक है या जो स्पेस है, दो पंक्तियों के बीच जो स्पेस है, उसमें बहुत सारी हलचल होती रहती है, बल्कि शब्दों से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो उसी स्पेस में, यानी जो दो पंक्तियों के बीच की जो स्पेस है उसी में हम उसको सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें थीं जो उस कविता को लिखते समय मन में थी, तो मैं उस कविता को आपको सुनाता हूँ। दो पंक्तियों के बीच। कविता की दो पंक्तियों के बीच मैं वह जगह हूँ जो सूनी सूनी सी दिखती है हमेशा। यही कवि की अदृश्य परछाई घूमती रहती है अक्सर। मैं कवि के ब्रह्मांड की एक गुप्त आकाश गंगा हूँ। शब्द यहाँ आने से अक्सर आँख चुराते हैं। हड़बड़ी में छूट गई कोई सहायक क्रिया या कोई शब्द, कभी कभार उठंगा सा आकर बैठ जाता है किसी किनारे पर। अनुस्वार और कुछ मात्राएं झांकती रहती हैं मेरी परिधियों से। शब्दों से छन छन कर गिरती रहती हैं यहाँ कई ध्वनियाँ। कभी कभी तो शब्दों के कुछ ऐसे अर्थ भटकते हुए चले आते हैं यहाँ, बिगड़ेल बच्चों की तरह जो भाग गए थे बहुत पहले अपना घर छोड़कर। जैसी दिखती हूँ उतनी अकंपित, उतनी निर्विकार सी जगह नहीं हूँ। एक चुप हूँ जो आ जाती है बातचीत के बीच अचानक। तैरते रहते हैं जिसमें बातों के छूटे हुए टुकड़े। कई चोर गलियां निकलती हैं मेरी गलियों से जो ले जा सकती हैं सबसे छिपा कर रखी कवि की एक अज्ञात दुनिया तक। शब्दों की ऊंची आड़ के बीच मैं एक खुला आसमान हूँ। शब्दों की आड़ के बीच मैं एक खुला आसमान हूँ। कवि के मंसूबों के उकाब जहाँ भरते हैं लंबी उड़ान। अदृश्य की आड़ के पीछे छिपी हैं यहाँ कुछ ऐसी सुरंगें। अदृश्य की आड़ के पीछे छिपी हैं यहाँ कुछ ऐसी अदृश्य सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक ले जाती हैं। एक लेखक जब लिखना शुरू करता है तो उसके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं जो बचपन से उस उम्र तक के होते हैं, और उन अनुभवों को एक तरह के से क्रिएटिव प्रोसेस के लिए भी बहुत बड़ा समय मिल जाता है। लेकिन एक समय आता है जब ये अनुभव धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और जो नए अनुभव हैं उन्हें वो क्रिएटिव प्रोसेस का जो समय है वो भी कम होने लगता है। तो इसलिए बाद के अनुभव बहुत जल्दी में रचना में रूपांतरित होने का समय नहीं मिलता। इसलिए ऐसा बहुत बार होता है कि लगता है कि जैसे हम लिखना भूल गए हैं या हमारी क्रिएटिविटी चुक गई है।
कहना चाहिए कि कहीं रुक गए हैं। हर लेखक के साथ ये होता है कि वो एक समय आता है जब उसका लिखना बंद सा हो जाता है कुछ समय के लिए। ये पीरियड या ये समय जो है वो छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जो अनुभव आपने बाद में अर्जित किए हैं उन अनुभवों को अपने क्रिएटिव प्रोसेस में बदलने में और रचना में रूपांतरित होने में कितना समय लगेगा, इसे कोई कह नहीं सकता, इसे कोई बता नहीं सकता कि उसमें कितना समय लगेगा। इसलिए कई बार होता है कि वो लेखक को उस समय बहुत ही बेचैनी होती है, बहुत एक अजीब तरह की बेचैनी होती है कि जैसे उसका लिखना कहीं ना कहीं ठहर गया है या कहीं ना कहीं उसके लिखना बंद हो गया है। तो वो शायद एक समय होता है जो बहुत पीड़ादायक है। इसी संदर्भ में एक कविता है मेरी, अधूरी कविताएं। अधूरी कविताएं देखती रहती हैं एक टक अपनी अंतिम पंक्ति के बाद कागज़ पर रह गई खाली जगह को। अधूरी कविताएं देखती रहती हैं एक टक अपनी अंतिम पंक्ति के बाद कागज़ पर रह गई खाली जगह को। उम्मीद करती हैं अधूरी कविताएं कि वे कभी ना कभी पूरी की जाएंगी, कहीं ना कहीं किसी कविता में काम आ जाएंगी उनकी पंक्तियाँ। कई दिनों तक बीच बीच में खटखटाती हैं वे हमारे दरवाजे, जैसे याद दिलाती हों कि हम यहीं हैं आसपास। ईर्ष्या के कारण शायद कई बार वे नई कविताओं को नहीं आने से रोकती हैं। कोई नई पंक्ति आने को होती है कि तेज़ी से उसे धकियाती हुई आ जाती है कोई बिसरी हुई अधूरी कविता। विचारागाह में खो गई गायें हैं जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती हैं वापस और बंद दरवाजों के बाहर रमाती हैं। वे बेचैन आत्माएं हैं भटकती हुई हमारे आसपास। हमेशा लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी वे पड़ी रहती हैं बहुत चुपचाप किसी कागज़ के कोने में, कई दिनों महीनों और कभी कभी तो जीवन भर। हमारी विस्मृतियों में आकर वे कहीं छिप जाती हैं। वे कुछ कहती नहीं हैं पर लगता है जैसे कुछ कहती हों कि हम आधे अधूरे ही ठीक हैं। कौन सी कविता है ऐसी जो पूरी की पूरी आई हो धरती पर, जैसे तैसे कुछ जोड़ घटाकर पूरी या पूरी सी कर ली जाती हैं अक्सर कविताएं। यूं भी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद अधूरी कविताओं की है, यूं भी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद अधूरी कविताओं की है, पूरी कविताओं में भी कहीं ना कहीं बचा ही रहता है एक अधूरापन। हर मुकम्मल कविता को लिखना चाहता है दूसरा कवि दूसरी तरह, और मज़ा यह है कि ऐसा करके न पहला संतुष्ट होता है न दूसरा। हर कवि को हमेशा ही लगता है कि कविता में कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है जो होना था या हो सकता था। सत्तर के दशक में जब हम लोग साहित्य में आए, मतलब मैं जब लिखने की तरफ आया, तो उस समय कहना चाहिए कि भोपाल के साहित्यिक माहौल के केंद्र में कहीं ना कहीं शरद जोशी थे। भोपाल का जो काफ़ी हाउस था वो एक बहुत ही प्रमुख अड्डा था जो न्यू मार्केट में सामने की तरफ होता था। दुष्यंत कुमार भी यहीं थे, शानी यहीं थे, और लगभग 72 या कहना चाहिए 71-72 के आसपास अशोक वाजपेयी भी भोपाल आ गए थे सीधी से, और उन्हें फिर ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि वो कल्चर में कुछ काम करें, और उन्हें एक प्लानिंग बनाई और पहला उत्सव 73 आयोजित करने की योजना बनी, और उसमें सारे लोग इकट्ठे हुए। उस समय शाम के समय यानी जब हम लोगों का ऑफिस छूट जाता था, धीरे धीरे सब लोग एक एक करके काफ़ी हाउस में आना शुरू होते थे
और काफ़ी उसका एक दृश्य होता था कि पहले एक टेबल पे शरद जोशी में और शशांक और राम प्रकाश इस तरह बैठना शुरू होता था, फिर कुछ कुछ लोग आते जाते थे, फिर दो टेबलें जुड़ जाती थी, फिर चार टेबलें जुड़ जाती थी, और एक समय आता था जब लगभग काफ़ी हाउस के नीचे के हाल की 8-10 टेबलें आपस में जुड़ जाती थी और उसके आसपास एक गोला बन जाता था। तो पहले उत्सव के बाद ये तय पाया गया कि कुछ नाटक की गतिविधियाँ भी शुरू हों, तो कारण जी को लाया गया और कारण जी ने एक रंग शिविर नाम का एक शिविर लगाया जिसमें एक्टिंग का, डायरेक्शन का बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाना थी। ये शुरू हुआ और कारण जी आए भोपाल में और रंग शिविर का आयोजन किया गया। रंग शिविर में बहुत सारे आर्टिस्ट भोपाल के शामिल हुए और उसके अंतर्गत दो प्रमुख नाटक खेले गए। एक उसी समय मणि मधुकर ने एक नाटक लिखा था रसगंधर्व, और दूसरा नाटक जो हुआ वो शंकर शेष का नाटक था, एक और द्रोणाचार्य नाम का उनका एक नाटक खेला गया। और उसमें भोपाल के तमाम बिल्कुल युवा, जो कहना चाहिए जैसे शौकिया रंगकर्मी होते हैं, वो उसमें शामिल हुए। उनने बहुत अच्छा अनुभव उस रंग शिविर का हुआ। हालांकि भोपाल राजधानी बन चुका था 56 में ही, पर 70 का भोपाल इतना हलचलों से भरा शहर नहीं था। वो एक तरह का छोटा शहर था, जो इधर का नया भोपाल था वो भी एक छोटा शहर था, समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो शिवाजी नगर तक, जिसे 1464 कहा जाता था, तो 1464 तक भोपाल बसा था, यानी एक बहुत छोटा एरिया था आज की तुलना में अगर देखें तो। दूसरी चीज़ ये थी कि वो 70 के दशक में बहुत गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोगों के पास अपने पर्सनल व्हीकल भी बहुत कम होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत 150 लोगों में किसी एक के पास स्कूटर होता था, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था, तो कुल मिला के पैदल ही चलना होता था। हम लोग भी जो शहर से आते थे, यानी पुराने शहर से आते थे, तो वो पैदल आते थे, क्योंकि जो बसें चलती थी वो सिर्फ MPSRTC की बसें चलती थी, और वो MPSRTC की बसें भी इतनी कम होती थी कि उनसे आप नहीं जा सकते थे, कुछ ही जगहों पर जाया जा सकता था। और अक्सर ऐसा होता था कि रात को बहुत बहुत देर तक हम लोग दोस्तों से गप्पे मारते हुए घर के बाहर रह जाते थे। तो घर के जब बाहर आप रह जाते हैं तो अक्सर घर वालों को इससे बहुत एतराज़ होता है कि आप इतनी देर से घर आ रहे हैं, रात को 12-12 बजे तक आप घर नहीं आ रहे हैं। तो कई बार होता है कि जैसे पिता नाराज़ हो जाते थे तो अंदर से बंद कर देते थे, तो आप उस कमरे यानी उस दरवाजे से नहीं घुस पाते थे जिस दरवाजे को आपने अपने लिए सुरक्षित रखा था। शहर में एक ही जगह होती है स्टेशन, जो पूरी रात खुला होता है और जहां आप कभी भी जा सकते हैं और कभी भी भटक सकते हैं। उन दिनों प्लेटफार्म पे उस तरह से ये नहीं होता था कि जैसे आजकल है कि प्लेटफार्म लेना है, और हर समय छोटा शहर था तो छोटे शहर में प्लेटफार्म पे लोग रात में जैसे चाय पीने का भी मूड आता था तो लोग प्लेटफार्म पे चले जाते थे। तो उस समय आप चले जाते हैं दोस्तों के साथ प्लेटफार्म पे, और इतना ही नहीं होता, आप उसमें बहुत सारी हरकतें करते हैं। आवारगी के उन दिनों में जब देर रात लौटने पर बंद हो जाते थे घरों के दरवाजे, गुजारी हमने कई कई रातें प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते हुए। देर रात जब सुनसान होते जाते हैं प्लेटफॉर्म और बहुत कम गुजरती हैं रेलगाड़ियाँ, दूर आसमान में टहलता रहता है बांका चांद, खाली पटरियों पर बीच बीच में शंटिंग करते रहते हैं इंजन, ठंडी होती रात के सन्नाटे में गूंजती है इंजन की तेज सीटी और पहियों का संगीत। ऊँगते हुए चाय वाले, टिकट कलेक्टर, इंजन ड्राइवर, गार्ड और पटरियों की देखभाल करने वाले मजदूर हाथ में लालटेने लिए
अलग अलग कोनों में खड़े बतियाते हैं। हर दिन लंबी होती सड़कों और बड़े होते शहरों में अब कम होता जा रहा है चलन किसी को लेने आने या छोड़ने जाने का। अब तो पूरी शिद्दत से कोई लड़ता भी नहीं बहुत खामोशी से चलती है ठंडी कटुता की दुधारी छुरी। उदासी बढ़ रही है कस्बों में और शहरों में उदासीनता दूर तक तलाशे होंगे उन लोगों ने हमारे अपरिचित चेहरों में चेहरे अपने स्वजनों के। दिनों दिन ठंडी होती जाती मन में बची आँच ने कुछ पल को कुरेदा होगा जरूर कुछ लोगों का मन। आप अपने से बाहर समाज को या व्यक्तियों को या एक देश को एक ऐसी भावना के साथ देखना चाहते हैं जो ये चाहती है कि जो प्रेजेंट दुनिया है जैसी भी वो है उससे ज़्यादा बेहतर वो दुनिया हो। जैसे मुक्तिबोध की पंक्ति है कि इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। तो जो एक ऐसे स्वप्न से जुड़ा है कि उसे हमेशा दुनिया को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सुंदर देखने की इच्छा है, ये प्रेम है। जहाँ पे आपको विश्वास है, जहाँ पे आपको एक दूसरे पे भरोसा है, वही प्रेम है। आप किसी कवि को प्रेम करके विवाह नहीं करते, व्यक्ति को प्रेम करते हैं या उसकी क्या कहना चाहिए उसकी थॉट्स को लाइक करते हैं। जब थॉट्स मिलते हैं तब आपकी वेवलेंथ मिलती है, तब आपके विचार मिलते हैं और उससे प्रेम जागृत होता है। हम लोग जब एक साथ काम करते थे तो जो मुझे अच्छा लगता था वो इनकी एग्रेसिवनेस टुवर्ड्स अन्याय। वो एग्रेसिव हर जगह पे एग्रेसिव नहीं है, वो एग्रेसिवनेस है जहाँ पे अन्याय है, जहाँ पे किसी तरह की गलत बात है उसके प्रति जो आक्रोश है। तो मुझे जब हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में हुआ करते थे तब ये कवि हैं, कवि वो व्यक्ति हो सकता है जो सेंसिबल हो, और व्यक्ति की सेंसिबिलिटी बहुत मायने रखती है। इसी तरह से हम लोगों में एक अच्छा संबंध डेवलप हुआ, लड़ाइयाँ भी हुई बहुत सारी सालों बात नहीं की हमने, लेकिन ठीक है, उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई वो इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा अगर मैं कहूँ कि कैसी आपने लाइफ गुजारी, तो मैंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी, बहुत अच्छा हमारा आपस में सामंजस्य रहा, हम लोग आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की हर चीज़ को समझते हैं, यही प्रेम है बेसिकली। जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप वो स्वप्न भी नहीं देखेंगे जिससे कि एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बने, जिसमें कम से कम विभेद हो, कम से कम ऊंच नीच हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छा जीवन मिले। प्रेम की आवश्यकता शायद है और वो उसी से शायद कविता का जन्म होता है।